हेलो फ्रेंड्स, मैं इमामुल हुसैन आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो ट्यूटोरियल लेके आया, जहाँ पे आज मैं सिखाऊंगा कि एक बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, वो भी एक ISO फाइल से। तो जहाँ तक इसके पहले का जो ट्यूटोरियल था, उसमें मैं आप लोगों को सिखाया था कि ISO फाइल कैसे बनाते हैं। तो अगर आप लोग वो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि वो वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पे मैं ये उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिखाऊँगा कि पावर ISO से बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ज़रूरत होगा कि एक ISO फाइल, तो उसके लिए तो मैं पहले सिखाया, तो आज मैं सिखाऊंगा कि पोर्टेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, वो भी पावर ISO से। इसके पहले ISO बनाने के लिए मैं सिखाया था, वो था बर्नेवेयर से। पावर ISO से इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि पावर ISO अगर आपका फुल वर्सन ना हो तो वो क्या होता है, 4GB उतना बड़ा होता है, या फिर 500 MB समथिंग उतना बड़ा फाइल ISO में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसलिए मैं बर्नेवेयर से बनाया था। तो आज सिंपली मैं सिखाऊंगा कि पावर ISO से बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये जो लिंक है पावर ISO का, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं वेब से। तो मैं ये लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसको एक गूगल क्रोम में इसको बस एंटर कर लीजिए। टेक्स्ट बार में किया, एंटर करने से देखिए एक डाउनलोड पावर ISO 6.9 है, जो 32 बिट का है, और एक तो 64 बिट। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है, तो मैं 64 बिट में क्लिक किया। तो इसमें दिखा रहा है कि कंप्लीट गाइड के लिए, तो इसको चाहिए, तो मैं स्किप करूँगा, उसका मुझे ज़रूरत नहीं, फिर उसके बाद भी स्किप ही करूँगा। तो अभी देखिए ये डाउनलोड होने लगेगा, ये 3.81 MB का है, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए बहुत जल्दी हो रहा है, ये फाइल देखिए डाउनलोड हो गया। तो मैं इसको ओपन फोल्डर करूँगा, तो इसको पावर ISO को डबल क्लिक करके इसको आई एग्री करूँगा, फिर नेक्स्ट। इंस्टॉल करना तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर नेक्स्ट, फिर इसको क्या करना है हमें, आई इसको मुझे नहीं चाहिए, ये एंटीवायरस का है तो मुझे नहीं चाहिए, क्लिक कर दिया, फिर इसको नेक्स्ट, तो फिर नेक्स्ट, तो इस फिर यस आई इंस्टॉल, फिर नेक्स्ट। तो इसको ब्राउज कर सकते हैं, पर मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया, तो फिर नेक्स्ट, ये हो गया। तो मैं इसको क्या करूँगा, सब सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मुझे सब ज़रूरत है, तो फिर क्लोज। ये देखिए पावर ISO हो गया। तो इसके बाद में देख मेरा एक पेन ड्राइव, ये जो पेन ड्राइव है HP का है, 16 GB का है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं अपना लैपटॉप, तो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं लैपटॉप के अंदर इंसर्ट करूँगा। तो ये देखिए ये जो पेन ड्राइव है, इसको सिंपली आपको बस इसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट कर लिया, तो बाकी आप देखिए, तो देखिए पावर ISO। तो इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इसको आपको पर जो पेन ड्राइव है उसको आप पहले फॉर्मेट कर लीजिए, वैसे भी ऑटोमेटिकली वहाँ पर फॉर्मेट होता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार फॉर्मेट कर लेना चाहिए। तो ये खाली है, फिर भी इसको फॉर्मेट करना ही है। तो ये फॉर्मेट हो गया, तो ये जो पावर ISO है, इसको आप कीजिए क्या, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर,
तो इसके लिए की मांगेगा, रजिस्ट्रेशन की। देखिए रजिस्ट्रेशन की मेरे पास तो नहीं है, तो मैं कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड यूज़ करूँगा। तो कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसको टूल्स पे जाना है। टूल्स पे गया, फिर आपको क्या करना है, क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव, उस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो पहले आप अपना पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए, अगर दो तीन भी आ सकता है तो पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आप काम करिए, जो है ये वाला फाइल है उसको ओपन करके, जो ISO फाइल पहले बनाया था तो उस फाइल को आप ओपन कर लीजिए। तो ये Windows 7 ISO फाइल, इसको क्लिक कर लीजिए, ओपन। हाँ आ गया। तो इसको क्या करना है, आपको HDD पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, ये USB HDD। तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक की रहेगा। तो उसके बाद और कुछ करना नहीं है, बस सिंपली आपको स्टार्ट कर देना है। देखिए ये ऑल डाटा इन द यूएसबी विल बी ओवरराइटेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस ओके। तो ये देखिए ये धीरे धीरे होने लगा है, फिलहाल 0% है। तो ये वीडियो तो बहुत टाइम, कम से कम आपका 10 to 15 मिनट लगेगा, लेकिन मैं इसको क्या किया, इस वीडियो को बीच बीच से काट के इसको शॉर्ट कर दिया, ताकि आप लोगों का टाइम थोड़ा कम लगे। तो ये देखिए मैं बीच में से काट दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप जब तक ये नहीं होता है तो आपको थोड़ा पेशेंट रखना है। तो ये USB जो बनाना बहुत ही आसान हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही ये जो वीडियो दिया है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि आपको कुछ और वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा। Four, 3, 2, 1, 0। ये देखिए हो गया। राइटिंग USB ड्राइव कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो आपको क्या करना है, सिंपली ओके कर देना है। देखिए ओके करने के बाद ये हो गया। तो इसको भी क्लोज कर देना है। तो देखिए आपका जो पेन ड्राइव है, ये जो पेन ड्राइव है आपका, ये पूरा बूटेबल हो गया। तो जब बूटेबल होता है तो आपका जो है ये वाला जो है, देख रहे हैं आप, ये वाला ऐसा सिंबल आ जाता है, और सिंबल आ गया मतलब ये पेन ड्राइव जो है बूटेबल हो गया और ये विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स थैंक यू मेरा इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। और सबसे बड़ा बात है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसके बाद का जितना भी वीडियोस होगा और वो सब वीडियो आपको मिलेगा। थैंक्स फ्रेंड, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।